व्लॉग, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। आई होप कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। तो आज की रूटीन कुछ यूं है कि हमारी कैंपेन लगी हुई है जो कि गंदम काटा रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज लास्ट डे है, इसके बाद फ्री हो जाएंगे। साथ ही कपास बो रखी है, दूर दूर तक गंदम नहीं नज़र आएगी आपको, बस हमारी ही रहती थी 4 एकड़ आज वो भी फाइनल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो जितनी देर में सही होती है आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें जी। अब तो ठीक हो गई है, अब चल पड़ी है दोबारा से, काम अच्छा हो रहा है। हाँ जी, अब दोबारा स्टार्ट हो गई है, दोबारा से कटिंग कर रही है। एक बार तो गंदम निकाल दी, अब दोबारा स्टार्ट हो रही है। बाकी सेम कर देंगे यहीं पर, ये खड़ी खड़ी इसमें मटी नहीं आएगी। हाँ जी, गंदम घर आ चुकी है, अब हम बटोले में डाल रहे हैं। पंजाबी में इसे बटोला कहते हैं, आपकी उर्दू ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं इसे। हाँ जी, हम दोबारा आ चुके हैं माशाल्लाह से, दोबारा ट्राली खाली कर दी, अब दूसरी बनने के लिए आए हैं। ये
ये जो 10वीं से के साथ रले हुए हमारे उनकी है दाने 50 कटे उनके, बाकी जो पतली साइड पे पड़े हैं वो हम दोबारा जो गोदाम में वो वहाँ फेंकेंगे, फिर हम वहाँ पे सेल करेंगे जो पहले पड़ी और कुछ ये हो जाएगी। खाना शाना चल रहा है, हाँ जी हम ना हर साल मस्जिद में दाने देते हैं, इस बार भी मैं देने आया था बाइक को। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक। हाँ जी हमने रिक्शा लोड हो गया, एक रेडी लोड हो ट्राली। अब हम घर जा रहे हैं, ये गंदम उतारेंगे, उसके बाद एडिटिंग करूँगा, फिर जाके आपको अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, तो उसके बाद हमने ट्राली घर ले आए थे गोदाम में, गोदाम में सारी कनक उतारी, तकरीबन 11 बज गए थे। 11 बजने के बाद मैं आ गया था, लाइट थी नहीं, फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद खाना शाना खाया, नहाए, फ्रेश हुए, सो गए और अभी उठा थोड़ी देर पहले, तकरीबन 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं, तो अभी उठे हैं, अभी फ्रेश हुआ, नहाकर, नहाया भी नहीं अभी तक, बस बेचारी घर पाऊँ। चलो ठीक है करते, अभी मैं नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, तो अभी आपके साथ थोड़ी सी गपशप की है। उसके बाद अब उसे हम सेल करेंगे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों तक, सारी गंदम को। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी।